आज हम बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एडवांस यू के बारे में। हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में पाया कि हाईलाइट सेल्स रूल्स में ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन, डेट ऑर्डरिंग एंड डुप्लीकेट वैल्यू कैसे इस्तेमाल करते हैं, साथ में टॉप बॉटम्स, डेटा बार्स, कलर स्केल्स एंड आइकन जिप का हमने इस्तेमाल किया था। सर रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दीजिए। जी मैं दे चुका हूँ। इसमें आगे हम बात करेंगे मोर रूल्स एंड न्यू रूल्स के बारे में, मतलब किसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को आप अपने हिसाब से कैसे चेंज करेंगे, ये आज हम आपको सिखाने वाले। जैसे अगर हम बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई, और मान लीजिए मैंने यहाँ पे आइकन्स का इस्तेमाल कर दिया, इस आइकन्स में अगर मान लीजिए कोई कंडीशन चेंज करनी हो या कुछ ऐसा कलर चेंज करना हो तो मैनेज रूल्स में जाके डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सारे के सारे डिटेल्स आपको दिखेंगे जहां से चेंज कर सकते हैं। लेकिन चेंज करें तो क्या करें, चलिए इसी चीज में हम आपको आज बताते हैं। मैंने यहाँ मान लीजिए कि नेम ले लिया हुआ है, साथ में मान लीजिए कि मैंने स्कोर लिया, और रैंक बिटवीन की फॉर्मूले मैंने लगाया और हमने इसको नीचे तक ड्रैग कर देता। अब मुझे मान लीजिए कि इसमें जो ग्रेटर देन 60 है वो हमारा पास है, और 42-60 वाले को हम यहाँ रीटेस्ट देते हैं कि ये रीटेस्ट है, और लेस देन 40 वाला हमारा फेल है। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम यहां पे इसको सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके आइकन्स का इस्तेमाल करेंगे और हम इस आइकन्स को लेंगे। और आइकन्स यहाँ पे ले लिया तो इसमें देखिए कि लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरी जो कंडीशन है इसके हिसाब से तो हुआ नहीं क्या। अगर मैं यहाँ पे 61 करता हूँ तो फिर एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, क्योंकि कंडीशन फॉर्मेटिंग में क्या पता कि मैंने क्या कंडीशन सेट की है या सोचा है। तो मैनेज रूल में जाके आइकन सेट में जाके यहाँ पे अपनी कंडीशंस को चेंज करनी है। जैसे कि मैं यहाँ नंबर कर देता हूँ और नंबर में मैं यहाँ पर दे दिया 60 और यहाँ दे देता हूँ मैं 40 कि 40 से नीचे हुआ तो क्रॉस आएगा, 40 टू 60 में हुआ तो एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, और 60 से ऊपर आया तो एक टिक का निशान आएगा। एंड ओके देन अप्लाई अगेन ओके। चिंटू जी समझ में आया आपको? यस सर। अब मैं यहाँ पे 3-2-1 करता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग में इस आइकन को इस्तेमाल करता ताकि पता चले कि टिक निशान किसको बता रहा है। बट प्रॉब्लम है कि भेजेंगे तो हर कोई पूछेगा कि 3 क्या है, 2 क्या है, 1 क्या है। 3-2-1 तो भाई सिंबल लाने के लिए किया है कि बगैर नंबर के सिंबल तो आ नहीं सकता है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि मैनेज रूल में जाएंगे और यहाँ पे सो आइकन्स ओनली कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो 3-4 नंबर्स है ए यू नहीं होगा, ये शो नहीं होगा, सिर्फ हमारा डेटा ही शो करेगा। ठीक है सर? यस सर। अब इसमें एक चीज और करते हैं कि कई बार बोला जाता है कि मुझे सिर्फ डेटा बार शो करना है। अब इसका एक यूज और भी हो जाता है कि मुझे इसमें डेटा बार शो करना है, और बार के लिए हम लोग जब सेलेक्ट करके बार अप्लाई करते हैं तो बार आप देख पा रहे हैं कि सेम कॉलम में आता है, जिस कॉलम में डेटा है उसी कॉलम में बार आता है। हमारी डिमांड है कि नहीं मुझे अगले सेल में आ जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं कि यहाँ पे सिंगल लिंक कर देते हैं और नीचे तक ड्रैग कर दिए, और इसके ऊपर फिर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अपना डेटा वार लगा देते हैं। कंडीशन फॉर्मेटिंग के मैनेज रूल में जाते हैं और डेटा बार में आते हैं, और यहाँ पे शो वार ओनली पे क्लिक करके ओके कर देते हैं,
और अप्लाई कर देते हैं। अब क्योंकि डेट में चेंज होता है तो ये हमारा बार भी चेंज हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये है, लेकिन बेसिकली ये डेटा लिंक है और जो कि शो नहीं हो रहा है। यस सर, क्लियर है? हाँ जी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ही यूज करते हैं। बाकी अब न्यू रूल्स पे जाते हैं तो यहाँ फॉर्मेट्स में और भी कंडीशंस है, जैसे कि नॉट बिटवीन, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट बिटवीन, जो कंडीशंस है जो कि बाहर नहीं है इसका यूज आप कर सकते हैं। ऐसे आपको अगर टेक्स्ट लेते हैं तो कंटेनिंग बाहर है, यहाँ पे आप नॉट कंटेनिंग, बिगिन विद, एंड विद सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसमें एरर है, एरर को अलर्ट, तो या जो है उसको आप यूज कर सकते हैं। बाकी जो चीज बाहर आपने यूज किया था वही है। इसमें यूज फॉर्मूला एक है जो कि थोड़ा सा एडवांस है। अब यूज फॉर्मूला के बारे में एक बार हम बात कर लेते हैं। अब जैसे कि आपके सामने यहाँ पे मेरा एक डेटा है, अब मैं चाहता हूं जो डेटा 50,000 से कम है, जिसका ग्रांड टोटल 50,000 से कम है, उसका पूरा का पूरा रो हाईलाइटेड हो जाए। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि मैं कंडीशन कहीं और लगा रहा हूं और फॉर्मेटिंग कहीं और कर रहा हूं, मतलब कि मेरा कंडीशन चेक होगा कहाँ पे, एस कॉलन में, और हम फॉर्मेटिंग लगाएंगे ए से लेके एस तक, जिसके लिए कोई कंडीशन तो है नहीं, हमें फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम यहाँ पे न्यू रूल्स के अंदर यूज फॉर्मूला पे आएंगे। और चिंटू जी एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी हम फॉर्मूला का जिक्र करेंगे आप एक सिंगल कॉलम, सिंगल सेल सेलेक्ट कीजिएगा, पूरा का पूरा रो सेलेक्ट मत कीजिएगा। अगर आप पूरा का पूरा रो सेलेक्ट किया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? ओके सर। यहाँ पे हमने बोला कि S2 is greater than, less than, less than 50,000। अब S को मैं यहाँ पे फ्रीज कर देता हूँ, बट 2 को फ्रीज नहीं कर रहा, क्योंकि जब मैं लेफ्ट टू राइट करूंगा तो S हमारा फिक्स है, लेकिन टॉप टू बॉटम करूंगा तो S हमारा, 2 हमारा फिक्स नहीं है, 2, 3, 4, 5 इंक्रीज होना चाहिए। और यहां हमने फॉर्मेटिंग चूज किया एंड ओके एंड ओके एंड फॉर्मेट पेंटर लिया, और बाकी सब उसे मैं पेंटर कर देता हूं पूरे में, जहां तक डेटा है वहां तक इसको आप पेंट कर दीजिए। अभी कलर नहीं हुआ, ये तो 50,000 कम है, ठीक नहीं कलर हुआ। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मैनेज रूल्स में जाता हूं, इस पे क्लिक करता है। ओ सॉरी, ये इनवर्ट, हमने इक्वल लगाना भूल गए थे, इसलिए ये इनवर्टेड कॉमा में लग गया। अब अप्लाई कीजिए, आप देखिए हाईलाइट हो गया। यस सर। अब इसी तरह की और भी एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं यहां पे अमाउंट लिखना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि अमाउंट में हर कोई जो है नंबर से लिखे, टेक्स्ट ना लिखे। अगर टेक्स्ट लिखता है तो हमें कलर करके बता दे कि ये टेक्स्ट है। तो किसी सेल में नंबर है या टेक्स्ट है पता कैसे चलता है? इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है इज टेक्स्ट का। इस टेक्स्ट फॉर्मूला में हम इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो रिजल्ट आएगा ट्रू या फॉल्स। फॉल्स कब आएगा? जब वो नंबर होगा। ट्रू कब होगा? जब उसके अंदर कोई टेक्स्ट होगा। टेक्स्ट हुआ तो यहाँ पे फॉल्स आएगा, ठीक है? यस सर। तो ये सेम चीज हम यहाँ पे न्यू रूल्स के यूज फॉर्मूला में आते हैं और इक्वल इज टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन और ए टू को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर फॉर्मेट सेल पे जाते हैं, अपना खुद का फॉर्मूला देते हैं एंड ओके एंड ओके, फिर फॉर्मेट प्रिंटर से नीचे की तरफ पेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखेगा तो हाईलाइट हो जाएगा।
उसी तरह से मान लीजिए कि मुझे मोबाइल नंबर मुझे लिखना है अपना। अब मोबाइल नंबर में प्रॉब्लम ये है कि कोई भी 10 डिजिट से ज्यादा या कम नहीं एंट्री कर सके। अगर कोई 10 डिजिट से ज्यादा एंट्री करता है या कम एंट्री करता है तो हाईलाइट कर दे। तो पहले हमें ये चीज को पता करना होगा कि सेल के अंदर में 10 डिजिट से ज्यादा नंबर या कम है तो कैसे पता चलेगा। पता चलेगा लेन फॉर्मूले से, जो कि लेंथ पता करता है, यहाँ पे लेंथ निकाल कर देता है। ठीक है, तो यहाँ हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के न्यू रूल्स के यूज फॉर्मूला में हम जाएंगे और यहाँ पे हम कंडीशन देंगे इक्वल लेन D2 इज नॉट इक्वल टू 10। तो क्या होगा इससे, देखिए इससे आपका हाईलाइट तो होगा लेकिन ब्लैंक भी हाईलाइट हो जाएगा, क्योंकि तो ब्लैंक की जो लेन है वो 0 आएगी और 0 भी नॉट इक्वल टू 10 होता है। यस क्लियर सर। है? तो यहाँ पे मुझे दो कंडीशन देना होगा कि लेन ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 10 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 इसलिए ताकि ये पता चल जाए कि हाँ इसमें कुछ टाइप हुआ है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे एंड का, जब मोर देन वन कंडीशन और दोनों कंडीशन अगर रिक्वायर है तो वहां पे हम एंड फॉर्मूला देते हैं। यहाँ पे हमने लेन लिया, लेन में दिया D2 और ग्रेटर देन हमने दिया 0। जीरो ओके एंड माफ कीजिएगा, मैंने इसमें फॉर्मेटिंग सेलेक्ट नहीं किया, हाँ कर रखा है, फिर नीचे तक ड्रैग कर दिया। अब जैसे ही इसमें हम कोई नंबर लिखेंगे और नंबर 10 डिजिट का नहीं होगा तो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पे चीज और आती है कि मैं यहाँ पे सैटरडे संडे टाइप कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ सैटरडे संडे हो तो वीक डे, अदरवाइज मैंने कि हाईलाइट हो जाए। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सैटरडे एंड संडे दोनों में से कोई एक नहीं हो सकता है, एक ही हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते, माफ कीजिएगा, दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, दोनों हो नहीं सकते एक सेल में, सैटरडे संडे दोनों ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यस सर, ये की हो हम पाएगा। यहाँ पे लगाएंगे और मेथड, बोलेंगे कि G2 इज इक्वल टू सैटरडे कॉमा अगेन G2 इज इक्वल टू संडे, राइट। यस सर। फिर फॉर्मेट प्रिंटर पे आऊंगा और यहां से हम फॉर्मेट करेंगे एंड ओके और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। एक मिनट, ऐसा क्यों दिक्कत हुआ, क्योंकि तो हमने G2 किया जहां मुझे G1 करना चाहिए था। अब सही, उस तरह से मान लीजिए कि मेरे पास एक ब्लॉक की आईडी है 1 7 8 9 10 15 20 22 24। अब मैं यहाँ पे आईडी एंटर कर रहा हूं, अगर यहाँ पे की गई आईडी अगर इस डेटा से एग्जिस्ट करता है तो यहाँ हाईलाइट कर दे। वैसे मैंने यहाँ पे 1 लिखा तो कैसे पता चलेगा कि 1 यहाँ पे है या नहीं, उसके लिए वी लुकअप है, मैच है, ऐसे फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट वी लुकअप मैच ना मिलने पे 0 एरर देता है जो कि दिक्कत है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला काउंट इफ का, काउंट इफ और काउंट इफ में हम सिलेक्ट करेंगे रेंज को और देंगे यहाँ पे 1 को, तो रिजल्ट 1 आएगा, मतलब किसी काउंट आएगी कितना बड़ा है, अगर जो नंबर नहीं वहां पे 0 आएगा, तो एरर नहीं आएगा, इस कारण से मुझे एरर हैंडल नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ हम न्यू रूल्स के यूज फॉर्मूला में ये सेम चीज अप्लाई करेंगे कि इक्वल काउंट इफ, हमने बोला कि जे कॉलम के अंदर जाओ और N2 को सर्च करो, अगर रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो हाईलाइट कर दो। मुझे चिंटू जी, यस सर।
और फिर फॉर्मल प्रिंटर से नीचे की तरफ पेंट कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे 6 दूंगा हाईलाइट हो जाएगा, 8 दिया हाईलाइट हो जाएगा, 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 15 डालेंगे हाईलाइट हो जाएगा। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऐसे बहुत सारे एग्जांपल। सर मेरा एक क्वेश्चन था, वो वहां पे ग्रेटर देन आपने 1 क्यों लिखा? ये वाला हो सकता है नंबर यहाँ पे एक नहीं दो बार हो। अच्छा क्या तो काउंट उसकी काउंट देगा, अगर एक बार है तो एक देगा, दो बार है तो दो देगा, तीन बार तो तीन देगा। इसमें मान लीजिए ये 24 अगर मान लीजिए एक और रूम में होता या 15 एक और रूम में होता, तब मान लीजिए 15 दो रूम में होता था, तो कोई मतलब नहीं है। आप इसी का प्रॉब्लम है, 24 है ना एग्जिस्ट कर रहा है ना जी, इसलिए तुमने ग्रेटर देन लगाया हुआ है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर हम सिर्फ इक्वल टू 1 करते हैं तो फिर 24 को फिर हाईलाइट नहीं करता हो। अच्छा क्योंकि वो इक्वल टू 1 नहीं रहा ना, फिर काउंट इफ का रिजल्ट तो 3 आएगा ना फिर। ये सर थोड़ा सा समझ नहीं आया मेरे को, क्या दिक्कत है इसमें भाई? ये एक बार थोड़ा सा फिर बता दें आप इसको। देखिए सिंपल सी बात समझिए कि मुझे हाईलाइट करना है ऐसे नंबर को जो नंबर एन में मैं टाइप कर रहा हूँ वो जे में है, समझे? यस सर। हमने सिंपल सी बात की कि जे की वैल्यू को पूरे एन की वैल्यू को पूरे जे कॉलम में हमने क्या किया, काउंट किया। अगर नंबर होगा तो काउंट इफ एक रिजल्ट देगा, मतलब उसकी काउंट देगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर 6 को किया था, 6 का 1 दिया ना सर, अगर 6 दो बार होगा तो दो देगा, तीन बार तो तीन देगा। देखिए जो नंबर हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं जे कॉलन में काउंट कर रहे हैं, वो जितना बार इतना बार होगा उतना नंबर देगा। 24 है, तीन बार तो तीन देगा ना। हाँ। तो यही बताया हो कि काउंट इफ का रिजल्ट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हुआ, मतलब एक या एक से ज्यादा हुआ, तो तुम कलर। हाँ। बस सिंपल सा मेथड है। अच्छा ये समझ गई, एक या एक से ज्यादा, ठीक है आपको यह समझ में सिंटू जी? हाँ जी। देखना पड़ेगा सर वीडियो, आप भेज देना, मैं एक बार थोड़ा सा देख के समझ लूंगा, इस हिसाब से देख लीजिएगा। तो काउंट इफ की ऐसे बहुत कंडीशनल मल्टीप्लिकेशन ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, लेकिन क्या है कि अभी तक हमने फॉर्मूले को किया नहीं है। फॉर्मूला हमारे कुछ क्लासेस बाद आएगा। तो काउंट कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक और क्लास रहेगी, इसको हम लोग बोलते हैं एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो कि हम आपको कराएंगे आफ्टर द फॉर्मूला। ओके सर। तो फिलहाल जो फॉर्मूला आपको पता है उस फॉर्मूले से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए।